पहले रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बताया गया, किस प्रकार से मालिश चंपी, हेड मसाज, फुट मसाज हो रहा था सत्येंद्र जैन का, वो सामने आ गया, परंतु अरविंद केजरीवाल इसे फिजियोथेरेपी बताते हैं। किस प्रकार से एलईडी टीवी देखा जा रहा था, मिनरल वाटर पिया जा रहा था, दरबार सजाया हुआ था, और अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें कि सत्येंद्र जैन दिखाई देते हैं कि उन्हें बाहर से खाना लाकर परोसा गया है, वो भी एक नहीं दो दो व्यक्तियों के द्वारा, और खाना, सैलेड, ये सारी सुविधाएं वहां पर उनके लिए उपलब्ध है। क्या ये भी किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा है या ये वीवीआईपी करप्शन ट्रीटमेंट और करप्शन थेरेपी का हिस्सा है? ये करप्शन थेरेपी है जहां पर एक मंत्री 5 महीने से जेल में है, परंतु उसको फिर भी कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर वसूली करने के लिए मंत्री बनाए रखा है। कितने लोगों से वसूली कर रहा है? सुकेश से तो कर ही रहा है, उसके अलावा रेपिस्ट से मालिश लेने की सुविधा ले रहा है। रेपिस्ट से ही नहीं बल्कि वहां पर और भी लोग उसके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं, और फिर उसे खाना परोसा जा रहा है जैसे कि वो कोई रिजॉर्ट में हो, कोई वेकेशन पर आया हो। मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा इंतजाम किया कि तिहाड़ में सत्येंद्र जैन और भ्रष्टाचारियों को ना मिले सजा, उनको मिले वीवीआईपी मजा। अब सत्येंद्र जैन को किस आधार पर मंत्री बनाए रखेंगे? क्या इस वीडियो का भी बचाव करने के लिए अरविंद केजरीवाल और कंपनी सामने आएगी? क्या इसको भी फिजियोथेरेपी का हिस्सा बताएगी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।